अब मैं ये जानना चाहती हूं कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शर्लिन चोपड़ा खुदकुशी कर ले? क्यों? कोई नहीं चाहे, गुड क्वेश्चन। अगर कोई चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करे और मुझे बताए कि मेरा शुभचिंतक कौन है। कोई नहीं चाहता। दरअसल बात यह है कि आए दिन मैं देख रही हूं कि कुछ मीडिया के लोग अभद्र हेडलाइन बनाकर मेरे बारे में मनगणित बातें लिख रहे हैं, मेरी इज्जत को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम मीडिया वालों से कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला को, चाहे वो पुलिस अफसर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कामवाली बाई क्यों ना हो, बाजारू औरत क्यों ना हो, किसी भी महिला को इस कदर जलील ना करें कि वो मजबूरन आत्महत्या करने के बारे में सोचे। मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मुझे लगता है कि जिस लड़की ने किडनी फेलियर को मात दिया हो, पुनर्जन्म लेकर जो एक ऐतिहासिक वेब सीरीज में एक ऐतिहासिक भूमिका के रूप में आपके सामने खुद को पेश कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन अपनी जान नहीं ले सकती। तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी महिला के बारे में अभद्र लिखने के बजाय पहले ये सोच लें कि अगर आपकी माओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी या अश्लील टिप्पणी करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको उसे लाफा मारने का मन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर ये नाइंसाफी क्यों मेरे साथ? पिछले साल आपने देखा कि कैसे मिस मोटर माउथ और उनकी वकील ने सरेआम मेरे बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी। YouTube पर वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहां पर नहीं करना चाहती। अब मैं देख रही हूं कि फिर से वही घटना मेरे साथ घट रही है। हाल ही में इसी जगह पर 20 जुलाई 2023 के दिन मैंने एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कानन को। उस इंटरव्यू में कुछ गहरी बातें हुई, कुछ बहुत ही सेंसिटिव बातें हुई और कुछ मजाकिया बातें भी हुई। तो उस इंटरव्यू में मैंने जो जो कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया वालों ने अपने दर्शकों के सामने रखा एक अभद्र हेडलाइन के साथ। और जब उन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत रोई। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि महारानी स्नेहलता जो भूमिका मैंने निभाई एकता कपूर जी की वेब सीरीज में, अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती? मुझे याद आया कि कई जुल्म सहने के बावजूद महारानी स्नेहलता अपने लक्ष्य के बारे में भूली नहीं, उनकी नजर उनके मंजिल पर, उनके लक्ष्य पर टिकी रही। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी अपना फोकस अपने मंजिल पर रखना है। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारा बनना। तो उस मंजिल पर मुझे अपनी नजर टिकाए रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस अद्भुत भूमिका को बार बार लगातार याद करके मैं इस भूमिका से प्रेरणा लेती रही और मैंने खुद को याद दिलाया कि कैसे मैंने किडनी फेलियर को मात दिया, कैसे मौत के मुंह से बाहर निकलकर मैंने पुनर्जन्म लिया। तो जो लड़की इतनी स्ट्रांग होती है असल जिंदगी में,
उसे क्या कोई अभद्र न्यूज आर्टिकल परेशान कर सकता है? क्या मुझे विचलित कर सकता है? नहीं। और अगर मैं ऐसे अभद्र आर्टिकल्स को खुद को विचलित होने दूं तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा।